नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। और मैं पहले तो आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, बिकॉज मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और मेरे ट्यूटोरियल आप समय समय पर देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मैं ऑर्गेनाइज ट्यूटोरियल जो करता हूँ, मैं जो ट्यूटोरियल बनाता हूँ वो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। मेरी कैटेगरी शिक्षा विभाग की ट्यूटोरियल से मैं बनाता हूँ। उसमें आप देखते हैं कि मैं ऑफलाइन ट्यूटोरियल भी जारी करता हूँ। जो ऑफलाइन वर्क होते हैं, कंप्यूटर वर्क ऑफलाइन होते हैं, उनके ट्यूटोरियल भी मेरे द्वारा जारी किए जाते हैं। और ऑनलाइन जो होते हैं वो भी ऑनलाइन कार्यों के होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के समस्त कार्य, जैसे शाला दर्शन चलता है पीएस में, तो यूपीएस मतलब प्राथमिक शिक्षा में शाला दर्शन चलता है, और यूपीएस में बड़े स्कूलों जो सीनियर स्कूल्स होते हैं उनमें शाला दर्पण चलता है। तो सभी प्रकार के जो ऑनलाइन कार्यों के जो ट्यूटोरियल होते हैं वो भी मैं जारी करता हूँ ऑनलाइन कार्यों के। उसके बाद में अभी अपन देखेंगे, इसमें इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे कि अपने MDM जो चलता है, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार का, तो उसमें 2002 से अपन को पका हुआ भोजन देने के आदेश प्राप्त हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके पहले अपन 3-3 किलो पर स्टूडेंट गेहूँ बांटे जाते थे। तो उसमें अपने देखते हैं कि उसमें कुछ नॉर्म्स के अनुसार अपन को पर स्टूडेंट गवर्नमेंट द्वारा पैसा भी दिया जाता है जो अपने अकाउंट में जमा होता है। उसके बाद में 2003 से जब STMC लागू हुई थी, विद्यालय प्रबंधन विकास समिति, और उसके माध्यम से अपने अकाउंट खोला गया था जिसमें अपने MDM के तौर पर जो राशि जमा होती है वह हर साल कितनी बढ़ती है, जैसे PS में वो राशि कितनी होती है, UPS में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो वो अपन सीरियल वाइज अपन देखते हैं मित्रों। ताकि अपन को क्या है कि उसको बिल रजिस्टर जो अपना होता है स्कूल में, मेंटेनेंस रजिस्टर होता है, उसमें मेंटेन करने में कई दिक्कत आती है। बहुत सारे टीचर होते हैं कि जैसे मंथली इस महीने का बिल बनाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे अपने राशि तो कहाँ से, मान लो 4 रुपये और 13 पैसे, अभी फ़िलहाल 4 रुपये 13 पैसे, तो अपन मान लो 3.86 के हिसाब से कर दिया, तो अपना जो पैसा काउंटिंग का है, हालांकि आगे से वो क्लियर हो जाता है, लेकिन बट अपने यहाँ पर फिर अपन बिल में गड़बड़ा जाते हैं। तो इस तरीके से अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ईयर के अंतर्गत कितनी कितनी राशि बढ़ी है, तो उसके अनुसार वो शेड्यूल वाइज अपन आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं इसको। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके, थैंक्स। तो आइए देखते हैं अपन इसको। हाँ तो मित्रों, आप देख रहे हैं इसमें कि ये 2010 से मतलब यहाँ MDM की राशि जो दर्शाई गई है, बताई जा रही है आपको। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 2010 से क्यों, मतलब पहले क्या था कि ये ऑफलाइन का मैटर था सारा। वैसे तो 2002 से शुरू हुआ है पका हुआ भोजन देने के आदेश, तो लेकिन यहाँ पर अपन को राशि जो मिल रही है वो यहाँ पर अपडेट की हुई है 2010 से। वित्तीय वर्ष 2010-11 में मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रतिदिन छात्र आवंटित खाद्यान्न एवं राशि, यानी कि केंद्र मद से अपन को 1 से 5 में मिलता था 2 रुपये और 2 पैसे, और 6 से 8 में मिलता था 3 रुपये 3 पैसे, और स्टेट फंड जो होता था, इसमें दो तरह के फंड हैं जो MDM में चलते हैं, एक तो सेंट्रल फंड होता है और दूसरा होता है स्टेट फंड, और दोनों का मिलाकर जो राशि बनती है अपने यहाँ पर वो मिल रही है 1 से 5 में। कुल मद यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 5 में 2 रुपये और 69 पैसे, और 6 से 8 में है वो 4 रुपये और 3 पैसे स्टार्टिंग में, जब 2010 की बात है, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 10-11 में बताया जा रहा है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं इसको, तो देखेंगे अपन फिर ये राशि बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में MDM के अंतर्गत जो राशि बढ़ी उसमें कुल मिलाकर 2 रुपये, और अपन कुल मद में ही देखेंगे अपन कि कुल मद में अपन देखते हैं कि 2 रुपये और 89 पैसे 1 से 5 में, और 6 से 8 में मिलाकर ये 4 रुपये और 33 पैसे। इसके बाद में मित्रों ये जो राशि है वह अपन बहुत ही अपने हर मंथली जो अपन MDM की जो डाक देते हैं, गोशवारा भरते हैं,
तो उसमें कई बार अपने से गलती हो जाती है कि इस महीने पैसा मतलब ये बढ़ता है पैसा, तो अपन को सूचना भी आती है, एसएसएस द्वारा भी सूचना आती है कि अपने इस मद में इतना पैसा एमडीएम में जो प्रति छात्र आवंटन पैसा है वो राशि बढ़ाई गई है। लेकिन कभी कभी क्या है, सूचना लेट आती है, लेट आने की वजह से अपने डाक में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को उसका मेंटेनेंस जो होता है उसमें कम पैसा भी भर पाते हैं अपन। तो वास्तविकता में ये जो राशि मंथली होती है उसमें अपन डाक में भी दर्शानी जरूरी होती है। उसके बाद में 12-13 में ये राशि बढ़कर आई, इसमें 12-13 में बढ़ोतरी हुई, 1 से 5 में 3 रुपये 11 पैसे और 6 से 8 में 4 रुपये 65 पैसे के हिसाब से। अभी भी मैंने एक जारी किया था कि मतलब एमडीएम के बिल बनाने में इस राशि का उपयोग किस तरह से मत, तो लास्ट में दिया हुआ है इसमें कि अपन बिल बनाने में इस राशि का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि इस महीने में जैसे लंबे टाइम के 4-6 महीने के मतलब अपन को गोशवारा जारी करना हो कभी, या कभी साल 2 साल का गोशवारा बनाना हो, तो इसमें ये बिल की राशि अपन आसानी से देख कर इसमें दर्शाई जा सकती है। वर्ष 2013-14 में एमडीएम के प्रति छात्र आवंटन की खाद्यान्न राशि है वो 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 14 तक यहाँ पर है वो 1 से 5 में 3 रुपये और 34 पैसे और 6 से 8 में 5 रुपये, 6 से 8 में यहाँ पर 5 रुपये की राशि में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में 14-15 में यह राशि बढ़कर 3 रुपये 59 पैसे और 6 से 8 में 5 रुपये और 38 पैसे, जो 1 जुलाई 2014 से 31 जून 15 तक यह वैलिड थी। उसके बाद में अपन लास्ट अभी अपन देखेंगे कि 1 जुलाई 15 से 31 मार्च 16 तक यह राशि बढ़कर आ गई यहाँ पर कुल 1 से 5 में 3 रुपये 76 पैसे और कक्षा 6 से 8 में यह राशि आवंटित हुई थी 5 रुपये और 64 पैसे। अभी जो वर्तमान में चल रही है वो राशि 1-4 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक, ये राशि 1 से 5 में 3 रुपये और 86 पैसे और कक्षा 6 से 8 में जो पर प्रति छात्र 150 ग्राम आवंटित है वहाँ पर 5 रुपये और 78 पैसे की राशि जारी की गई है स्टेट मद द्वारा। और अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 1 अगस्त 16 से टिल डेट तक, यानी कि 1 से 5 में है वो 4 रुपये 13 पैसे हैं और कक्षा 6 से 8 में 6 रुपये और 18 पैसे की राशि अभी आवंटित की जा रही है प्रति छात्र मित्रों। तो इसमें अपन आसानी से इसमें जो डाक अपन मंथली बनाते हैं ये गोशवारे सारे अपन जो उसमें भी अपने कितने बच्चों ने मतलब लाभान्वित हुए तो उसमें अपन को दर्शाया जाता है, दर्शाना पड़ता है इसमें, तो इसको आसानी से अपन दर्शा सकते हैं मित्रों। और मेरे ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। आई धन्यवाद। ओके okay।